के लोग, तो आज का व्लॉग कुछ भी ना, काफी टाइम बाद अनबॉक्सिंग होने वाली है। लेकिन काफी मेरे पास शूज वगैरह मैंने लिए थे लास्ट, तो मैंने बिल्कुल भी अनबॉक्सिंग कर पाया था क्योंकि काम काफी ज्यादा था। तो आप देख रहे हो, लास्ट कोरोना की वजह से मेरी छुट्टियां पड़ी है, तो काफी अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ कि मतलब काफी टाइम बाद ही हो रही है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये वाला पेयर जो था 2020 की फेब की 27 को रिलीज हुआ था, और ये वाला जो है ना स्नीकर, या थोड़ा अंत है इसका, कोई अंत नहीं हो सकता। ये ऐसा बढ़िया पेयर है, और उसकी जो कलरिंग है यार, क्या बोलता, अंत है, खतल फाड़ ऐसी उसकी कलरिंग है ना। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये वाला बॉक्स तेरा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नीकर डंक्स। तो ये स्नीकर डंक्स ऐप, तो ये रिसेल, जो शू बंदे रिसेल करना चाहते हो उसकी, उनकी तरफ से आता है ये वाला। तो वो जो स्नीकर डंक्स है, वो उसके ऊपर अपना पहले सब कुछ उनके स्टोर पे जाते हो, स्टोर पे जाके वो पूरा ओरिजिनल चेक करते हैं, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आते, कम से कम इसको हफ्ता हो गया, तो मैंने हफ्ते पहले लिया था, तो उसके अंदर इसको हफ्ते हो गया। वैसे तो 2-3 दिन में आता है अगर मैं नाइकी से लूँ तो ये बिल्कुल पूरा चेक होते आता है, और 101% ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि हर जगह से स्टॉक एक्स हो गया आप, और जापान में मोनोखब यहाँ पे डिस्प्ले में दो, अगर वो देख, जो जापान में मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे देख सकते हो मोनोखब, ये उसके ऊपर आप सर्च करके निकाल सकते हो। तो उसके अंदर भी ये स्टॉक एक्स वगैरह, मोनोखब और स्नीकर डंक्स पहले खुद उनकी खास कंपनी में जाते हैं, वो चेक करते हैं पूरा, फिर ये हमारे को भेजते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, तो ये इसे निकाल लेते हैं। तो सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। तो गाइस, आपने सिनेमैटिक शॉट देख लिए, तो ये एयर जॉर्डन 1 का है। तो आप यहाँ पे QR कोड को रीड करके आप कर सकते हो कि ये कौन सा शूज है, और मेरे को 26 सेंटीमीटर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो US, यूरोप, UK सेंटीमीटर का लिखा होता है सारे साइज जापनीज़ जो नाइकी शूज होते हैं। तो इसके अंदर जो मैं ओपन करने वाला हूँ वो स्नीकर डंक से है, तो ओपन करके देखते हैं क्या आता है। तो स्टार्टिंग में आपको, मैं पहली बार स्नीकर डंक से मंगवाया, तो आपको ये स्नीकर डंक्स का मिलता है, और ये थैंक यू आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो है तड़े, तो ये एयर जॉर्डन 1 पाइन ग्रीन है। तो पाइन ग्रीन में काफी टाइम मेरे को चाहिए, काफी अच्छा लग रहा था। ये कम से कम आपको पहले भी बताया था मैंने, दूसरे महीने की 27 तारीख को ये रिलीज हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक टैग भी लगा हुआ है। तो ये आपने जो सबसे ऊपर नंबर्स लिखे हैं, ये आपको सर्च करोगे तो आप ये, तो ये वाला शूज आएगा ही आएगा। तो आपको इसके अंदर एक रेड शूलेस मिलता है, और सबसे बढ़िया बात ये स्नीकर डंक्स आप देख सकते हो, और पीछे लिखा होता है वेरिफिकेशन कि ये 101% ओरिजिनल शूज है। तो आपके पास ये स्नीकर स्टफ निकलता है, एक इसके बाद निकलता है। तो आप देखो, तो ये शूज में भी इंडिया में अगर आपको लगता है ना कि ये ओरिजिनल नहीं है, तो आप शूज के अंदर जो है वो इसके अंदर आपको मिलता ही है ये वाला। तो इसके ऊपर भी जॉर्डन वगैरह का मार्क लगा होता है, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो इनसोल बिल्कुल सिंपल है, नाइक एयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको नाइक एयर मिल जाएगा जो एयर जॉर्डन का है। तो काफी बढ़िया लग रहा है यार, तो आप इसको सिनेमेटिक्स एंजॉय करो और देखो। और शूलेस मैं रेड करूंगा, तो वो भी देख लेना।
आपको सिनेमैटिक शॉट कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगा है इसका शीट। अब पूरी में आप जो देख सकते हो, अभी मैंने ये ग्रीन, डार्क ग्रीन बोल सकते हो, क्या कौन सा कलर, आप कमेंट करके बताओ, मैं भूल गया ये कलर क्या क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर मैंने ब्लैक कार्गो पैंट पहनी हुई है, और ये जो मेरे शूज है पाइन ग्रीन, उसके अंदर मैंने रेड ब्लैक लेफ्ट पे करे हैं, राइट पे रेड ग्रीन करे हैं, जैसे कि पाइन ग्रीन का अच्छा लग रहा है काफी। आपने सिनेमैटिक शॉट में देख लिया होगा। तो ये ज्यादातर मैं ऐसे स्टफ पहनता हूँ, अगर जो विंटर हो, विंटर में मैं हुडीज पहन लेता हूँ। हुडीज के नीचे पे मैं एक जो लॉन्ग वाइट शर्ट टी शर्ट होगी, तो वो डाल के हुडी के ऊपर करके थोड़ा वो शर्ट दिखाना, तो वो सबसे बढ़िया लगता है। और तो आपको अगर स्नीकर्स के ऊपर आप लेते हो, तो आप जो स्नीकर्स जिसको अच्छे लगते हैं, वो कार्गो पैंट्स आपको मेनली आपको होनी चाहिए आपके पास। तो जीन्स वीन्स नहीं, ट्राउजर्स हो गए, ट्राउजर्स भी काफी अच्छे चलते हैं, तो नाइकी ट्राउजर, एडिडास के ट्राउजर हो गए। लेकिन जो नाइकी का शूज होता है, तो नाइकी का ट्राउजर ही ज्यादातर यूज करना चाहिए, क्योंकि काफी वो लगता है, अगर मेरे जो मेरे हिसाब से लगता है वो बेकार लगता है, तुम नाइकी के शूज पहन रहे हो, ट्राउजर तुम्हारा एडिडास का है। तो इसलिए ये मत करके, ट्राउजर भी नाइकी का और जो शूज है वो भी नहीं नाइकी के रखे, तो वो सबसे बढ़िया लगता है, कतर लगती है, और फोटोज ऐसी आएंगी। और तो इंस्टाग्राम, अगर आपको इंस्टाग्राम शुरू करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, इंस्पिरेशन मिल जाएगी। उसके अंदर काफी मैंने अच्छे अच्छे फोटोज डाली हुई है, तो जाके फॉलो करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो बस यही तक थी, अनबॉक्सिंग। अगर आपको अच्छी लगी, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आर बेल घंटा भी दबाना ऑल के ऊपर कर देना, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो चैलेंज वीडियो आएगी, देखते हैं कौन सा चैलेंज करते हैं, लेकिन कलर चैलेंज करेंगे।